अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग आए हुए थे गाइस कायो पेरिको आइलैंड पर, जहाँ पर मुझे मार्टिन ने बुलाया था एक डील के सिलसिले में। बट यहाँ पर इसने हमें धोखा दे दिया और कोई डील वगैरह नहीं की, बल्कि हमें इस आइलैंड पर कैद कर दिया। फिलहाल हम लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग पकड़े गए। कोई टेंशन की बात नहीं है गाइस, मेरी एजेंसी के बंदे मुझे आराम से छुड़वा लेंगे, ज्यादा टेंशन की बात है नहीं। तेज कदम चला। अच्छा अच्छा भाई, चल रहा हूँ, क्या हो गया? आराम से पकड़, दर्द हो रही है। तो गाइज अभी हमें मार्टिन के पास लेके जा रहा है। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मार्टिन ने मिलिट्री चीफ के हाथों मुझे बेच दिया है। और फिर गाइज ये सुनकर मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें गार्ड्स ने देख लिया और भाई पकड़े गए। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्टिन के पास, देखते हैं मार्टिन हमारे साथ क्या करेगा। ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मिलिट्री चीफ के हाथों उसने हमें बेचा है, तो जब तक मिलिट्री चीफ नहीं आएगा वो हमें नहीं मार सकता। और मिलिट्री चीफ भी गाइज फिलहाल हमें नहीं मार सकता क्योंकि मिलिट्री चीफ को सारा करप्शन का पैसा चाहिए जो मैंने लॉस सैंटोस की किसी खुफिया केव के अंदर छुपा रखा है। और ये तो मैं आप लोगों को भी नहीं बता सकता वो पैसा मैंने कहाँ रखा है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है गाइज। अभी हम लोग जाते हैं मार्टिन के पास और मार्टिन हमें कुछ भी नहीं कर सकता, हमें छू तक नहीं सकता गाइज। अगर उसने हमें मरवाना होता तो इस बंदे के थ्रू ही हमें मरवा लेता, लेकिन हमें मरवाना इतना आसान नहीं है। फिलहाल हम लॉस सैंटोस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडी शोज के लिए भी, और इनफैक्ट कायो पेरिको आइलैंड के लिए भी। बस भाई अब तेरा फैसला मार्टिन भाई करेंगे। और बस कर जाओ यार, मार्टिन के चमचो दमाग खाया हुआ है कब से तुम लोगों ने। मार्टिन भाई, मार्टिन भाई है क्यों? कौन? ये मार्टिन भाई डर लग रहा है ना, अब डर डर लगना है, नहीं लग अपनी रहा? पैदाइश पे अफसोस हो रहा है ना। बकवास बंद कर, आजा। अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो इसको। भाई आपने इसको इसलिए यहाँ पर बुलाया था? अरे मैं तो सोच नहीं सकता था, ये तो काफी अमेजिंग हो गया भैया। अरे इरफान तू अभी बहुत छोटा है बेटा। मैं अभी छोटा नहीं हूँ भैया। इरफान इरफान, मैंने तुझे कितनी बार बताया मेरे कान का ऑपरेशन हुआ है, आहिस्ता बोला कर, मैं छोटा नहीं हूँ भैया। तू अपनी जुबान से फिर गया, बड़ी बेगैरतों वाली, मक्कारों वाली, झूठों वाली हरकत की है तू। देख जो जुबान के पक्के होते हैं ना, उन लोगों को मैं बहुत बेवकूफ समझता हूँ, समझ गया? लूमड़ी वाली हरकत की है तूने, शेरों वाली तो कोई बात ना हुई ना। अब देख ले फिर, शेरों वाली बात तो मैं तेरे साथ करने वाला था भैया, अगर मुझे ना रोकते। भैया बताओ इसका सर खोल दूं? चुप हो जा, अगर हिम्मत है तो अकेले में आ, इतने कुत्तों के साथ तो गीदड़ भी शेर होता है। भैया अगर आप इसको ना पकड़ते तो कल रात ही मैं इसका काम तमाम कर देता। अरे इरफान चुप हो जा, बहुत काम तमाम कर देता, जरा आता तो सही अंदर, तेरी हड्डियां ना तोड़ देता तो फिर कहता। भैया इसको समझा ले जाओ, इसको ना मारो, वो पहले बीमार है। दोबारा मेरे पे हाथ मत उठाए, चलो मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगा। ठीक है मारना नहीं है इसको, आर्मी चीफ आके खुद ही मारेगा इसको। चलो तुम्हें खुद ही मारेगा, यहाँ पर बस यही बातें करने के लिए बुलाया है। चलो गाइस अभी मैं चलता हूँ, इन लोगों ने जो हरकत की है ना ये बहुत ही घटिया है यार, इतने बुजलों वाली हरकत कौन करता है? यहाँ पर मुझे बुला रहे हैं, बातें करेंगे, हम लोग डील बना रहे हैं, बट डील की बजाय इन लोगों ने मुझे मिलिट्री चीफ के हाथों बेच दिया। अब मिलिट्री चीफ आके जो भी करेगा उससे पहले मुझे अपना प्लान बनाना पड़ेगा और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खैर गाइज मैं जेल में रहते हुए क्या ही प्लान बना सकता हूँ, और अगर मैंने प्लान बना भी लिया तो वो प्लान काम नहीं करेगा क्योंकि इन लोगों ने मेरे से मेरा स्मार्टफोन भी ले लिया है जिसके थ्रू मैं अपनी एजेंसी से कनेक्ट कर पा रहा था। लेकिन चलो अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर हमारी एजेंसी मुझे बचाने में कामयाब हो गई तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन गाइज अगर ऐसा नहीं होता तो लॉस सैंटोस एक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर को खो देगा। प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक नहीं पहुंचे, बताओ हमें क्या करना चाहिए। सर कायो पेरिको पे हमारे जो एजेंट है उन्होंने खबर दी है कि माइकल सर को वहाँ पे पैलेस से निकलते हुए देखा गया, लेकिन मार्टिन ने वापस उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अच्छा ये मार्टिन ये हरकत करेगा अब? चलो हम लोग जाएंगे कायो पेरिको में। ये कौन आ रहा है? ये शायद गद्दार है। गद्दार? हाँ गद्दार, कैसे हो? ओए किसे गद्दार बोल रहे है? तुझे बोल रहा हूँ गद्दार, ये क्या बकवास कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ही तुमने अच्छा नहीं किया। कौन सी गद्दारी? मैंने कोई गद्दारी की? कोई गद्दारी नहीं की, उनकी फैमिली को किडनैप करवा दिया तूने। तेरी वजह से आज प्राइम मिनिस्टर साहब कायो पेरिको में बंद है। और तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? क्या गलत फहमी हुई है हमें? हुज़ैफ़ा सर ने हमें खुद बताया। हुज़ैफ़ा सर को भी गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी नहीं हुई है, बताया था कि आपने आर्मी चीफ के साथ हाथ मिला लिए, बहुत सारे पैसे भी खाए हैं आपने। मैंने हुज़ैफ़ा की फैमिली को एक सेफ जगह पे रखा हुआ है। मिलिट्री चीफ की बेस में? नहीं यार, आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम लोग यहाँ पे रहो, नजर रखो मिलिट्री चीफ पे। यस सर। चलो अभी हम लोग चलते हैं, देख के आऊँ। मुझे तो ये गद्दार लग रहा है, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता, लेकिन अगर कुछ भी होशियारी की इसने उधर ही मार दूंगा, कोई परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे क्लियर ऑर्डर्स हैं कि जहाँ पर इसने गद्दारी करने की कोशिश की
मार देना। इसके भाई होने का भी लिहाज नहीं करना। ऐसे ऑर्डर्स दिया हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो तुमने प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली को महफूज रखा। हाँ, मैंने उसे बचा के रखा। मिलिट्री बेस के पास मत जा, मुझे डर लग रहा है कि तू गद्दारी कर रहा है। मुझे तुझसे गद्दारी की बू आ रही है। मैं बचपन से उसके साथ हूँ, आज तू बड़ा है, गद्दारी की बू आ रही है। बचपन से मिलिट्री चीफ के साथ है। सही से मिलिट्री चीफ के साथ नहीं, उस दफा के साथ भाई है मेरा, वो उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता मैं। पैसे के लिए भाई भाई कुछ नहीं होता, पैसे के लिए लोग बिक जाते हैं। आई होप आप ऐसा ना करें, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, मस्त के साथ। इस एजेंसी के आप कभी हेड हुआ करते थे, लेकिन आपने खुद ये एतमाद ये भरोसा सब तोड़ दिया। ओए खुद से इल्जाम लगाई जा रहा है, किसने कहा तुझे? मुझे सब कुछ हुज़ैफ़ा ज़र ने खुद बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने। उसको गलत फहमी हुई होगी, उसकी गलत फहमी मैं दूर कर लूँ, फिर तेरी खुशफहमी दूर करता हूँ। अच्छा, मेरी खुशफहमी दूर करेंगे आप? देखें, आप दुआ करें कि वाकई ये गलत फहमी हो, नहीं तो जो हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं ना, उस हिसाब से हमने अगर एक्शन ले लिए तो आप नहीं बचेंगे भाई। चलें, आप दिखाएं हमें कहाँ पर है फैमिली। चल मैं तुझे लेके जाता हूँ, तेरी जुबान मैं काटता हूँ, रुक जा। चल आ जा, तुझे दिखाता हूँ मैं। जी जी दिखाएं सर, देखने के लिए मंतज़र। जान पे खेल के मैंने उन्हें बचाया। अच्छा, जान पे खेल के बचाया। बकवास नहीं बंद हो रही। देखते हैं सर, ये तो मिलिट्री चीफ के घर के पास की जगह है सर। और घर के नहीं, बेस के पीछे की जगह। अच्छा, मैंने यहाँ इसीलिए छुपाया ताकि उसे शक ना हो। सही सही, वो ये तो एजेंसी का बंदा है। और सुना भाई, कैसा है इफ्तिखार? हाँ यार ठीक हूँ, तू कैसे आया इधर? ओ भाई तू कैसे तमीज से बात कर। सॉरी सर। चलो अभी देखते हैं। हम यहाँ सिक्योरिटी कर रहे थे ना जरा सर। अच्छा अच्छा, माइकल सर की फैमिली की। सही है फैमिली, देखता हूँ मैं किधर है फैमिली। अंदर आ जा, अंदर आ जा, ज्यादा नहीं बोल। अच्छा अच्छा सही है। ओ सारी चाचू आ गए, मामा मैं कह रहे थे ना जरूर आ जाएंगे सारी चाचू। इतनी देर क्यों लगाई है? और मेरे पापा किधर हैं? वो अभी तक नहीं आए। वो किधर हैं? अभी आ जाएंगे, बस वो अभी गए हुए, काम गए हुए, जरा इनको नहीं बताना है। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जा। और जमील बेटा तू ठीक है? घर वालों की हिफाजत करता रहा, ठीक है? जी जी मैं हिफाजत कर रहा हूँ, देखे मैं गन लेके खड़ा हूँ। हाँ देख लिया ना टकले। हाँ सही है सही है, पता तो चल गया, लेकिन जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद नहीं बोलेंगे ना आके हमें, तब तक थोड़ा यकीन करना मुश्किल है। ठीक है चल, अभी तो उन्हें बचाने जाए। अभी बचाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी सर, बहुत मुश्किल में। चले बैठे आप। मैं तो समझ रहा था उनकी फैमिली के साथ आपने धोखा किया, उनकी फैमिली का सौदा कर दिया आपने मिलिट्री चीफ। तो भाई हूँ मैं उसका यार। अच्छा चले कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। अभी बातें की हैं आपसे, सॉरी। हाँ इट्स ओके, कोई, लेकिन हमारी मजबूरी है सर। देखिए हमारी एजेंसी का मकसद यही था, हम लोग किसी पे यकीन नहीं कर सकते, हमें सब पे शक करना पड़ता है। हाँ हाँ यार चलो कोई मसला नहीं है। चलिए अभी हमें प्लान बनाना पड़ेगा, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप भी बता दें। मेरे एजेंट से मुझे न्यूज़ दी है कि मार्टिन ना प्राइम मिनिस्टर साहब को बेचने वाला है, आर्मी चीफ को बेचने वाले। हाँ क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब को कौन खरीदे, मतलब कौन खरीदेगा इसे? आर्मी चीफ खरीदेगा और फिर मार देगा। अच्छा अच्छा, तो ये आर्मी चीफ का खेल है। अब ये सारा आर्मी चीफ का खेल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आर्मी चीफ के बेटे को किडनैप कर लेते हैं। बट सर वो इतना आसान नहीं होगा, उसके साथ 10 काफिले घूमते हैं, जब वो स्कूल जाता है ना अपने साथ अपनी पूरी फोर्स लगा देंगे यार। ये तो है सर, या मरेंगे या मार देंगे। हाँ अब और तो कोई चारा नहीं है ना, डट के लड़ेंगे। सर अभी हम लोग जा रहे हैं मिलिट्री चीफ के बेटे के साथ स्कैम करने, उसको अगवा करना है, किडनैप करना है उसे। अच्छा क्या प्लान है? सबसे पहले सर मैं आपको बताऊँ, हंसी आ रही है मुझे सर, लेकिन हम लोग उसको हनी ट्रैप में फंसाएंगे। मैं लड़की बन के उसे कॉल करूंगा, जिसके बाद उसे बोलूंगा अपनी सिक्योरिटी के अलावा घर से बाहर आओ, अकेले बाहर आओ। तू लड़की बन के कॉल करेगा? जी जी सर। अच्छा चल ठीक है। ये हमारी ट्रेनिंग हुई होती है ना सर। ओहो लेवल की ट्रेनिंग। तो हम लोग फिर उसको स्कैम करेंगे सर, तो उसके बाद हम लोग उसे कॉल करके बोलेंगे आप अकेले घर से बाहर आओ, जब वो अकेला घर से बाहर आएगा हम लोग उसे उठा लेंगे, क्योंकि सर मिलिट्री के साथ ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे सोल्जर्स घूम रहे हैं। जहाँ पर आप देखें ना, सोल्जर्स को मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए, वहाँ पर वो मिलिट्री चीफ के बेटे की हिफाजत कर रहे हैं। तो इसीलिए उसको जी सर क्या करें, पकड़ना पड़ेगा ना। हाँ पकड़ना तो पड़ेगा। ये उसके साथ हनी ट्रैप करते हैं, यहाँ पर पास में कोई सर लोकल टेलीफोन लगे होते हैं ना, उनसे कॉल करके पता करते हैं। ठीक है हाँ। उसको फंसाते हैं, तो अगर वो फंस गया तो सर बेस्ट हो जाएगा, अगर ना फंसा तो फिर हम प्लान बी पे काम करेंगे। प्लान बी क्या है सर? प्लान बी ये है कि हम लोग उसे स्कूल से उठाएंगे, स्कूल में ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती, तो हम लोग उसे स्कूल से उठा लेंगे। चलो पहले प्लान ए पे काम करते हैं, आई होप सर प्लान ए ही काम कर जाएगा। चलो ठीक है, उसे कॉल मिलाओ फिर। चले सर यहीं से कॉल कर लेते हैं। हाँ बस गाड़ी साइड पे लगा, बस साइड पे लगा देते हैं, देखता रहे कोई देख ना रहो। जी जी सर कोई नहीं देखता, टेंशन ना ले।
चलो भाई कॉल करते हैं, जरा पता चले इसको भी। जी आप बबलू बात कर रहे हैं? हाँ बबलू बात कर रहा हूँ, आप कौन बात कर रही हैं? आपकी आवाज बहुत प्यारी है। जी मैं शबाना बात कर रही हूँ। शबाना? अच्छा जी जी। काम था आपने क्यों कॉल की? बबलू ऐसे काम के बगैर कॉल नहीं कर सकती क्या आपको? नहीं मैंने पहचाना नहीं ना आपको। नहीं 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 बबलू, मैंने कहना था वो आप मुझसे मिलने नहीं आते। आप कौन है, कौन है आप? मैंने ना आपको पहले स्कूल से आते हुए देखा था एक बार। अच्छा तो फिर तब से बस छूने भी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम बताओ कहाँ रहती हो तुम? बस मैं ये बिल्डिंग के पास ना, यहाँ बैंक के पास खड़ी हूँ, मेज बैंक के पास आ जाए आप। बस मैं आ रहा हूँ अपनी फोर्स लेके। ओके फोर्स लेके नहीं आना ना, अकेले मिलना है आपके साथ। समझ नहीं रहे आप, बात करनी है, अकेले मिलना है। शबाना मेरी जान को बहुत खतरा है, मेरी जान को बहुत खतरा है, ठीक है? देखिए ऐसे तो नहीं होगा ना, फिर आप अकेले आए बस ऐसे नहीं होगा, फिर लोग बात सुन लेंगे। अगर मैं अपने बंदे लेके आया तो क्या तुम नहीं मिलोगी? नहीं मिलूंगी, बस ये नहीं मैं नहीं ऐसे मिल सकती किसी के सामने। शर्म आती है। ठीक है फिर मैं अकेला आ रहा हूँ। ओके जल्दी आ जाए प्लीज। ओके बाय, मैं आ रहा हूँ। अरे सर जी आ रहा है, वो फंस गया बकरा। सर जी क्या हो गया? सर जी लगे हैं मंगेतर के साथ। क्या हो गया सर जी? क्या मंगेतर के साथ बात कर रहे थे? नहीं है, बाबा जी के साथ बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, लगता है उन्हीं के साथ मंगनी हुई है आपकी। अच्छा किधर बुलाया उसे? हाँ वो बस आ रहा है इधर ही, मेज बैंक के पास आ जाए। बस मेज बैंक पास ही है ना, मैंने इसीलिए इधर ही बुला लिया। सही है ना? हाँ चलो ठीक है। इधर कोई सीसीटीवी तो नहीं लगा हुआ? और सर जी सीसीटीवी नहीं लगा हुआ। दूसरी बात ये, हम लोग होशियारी से काम करते हैं। हम लोगों ने पार्किंग के पास देखा है, पार्किंग के पास ना, पार्किंग के बाहर कोई भी सीसीटीवी नहीं लगा होता कभी भी। अच्छा। पार्किंग के अंदर लगा होता है सर, रोड के ऊपर तो यहाँ पर वैसे सीसीटीवी नहीं है। ये बड़ा अच्छा एरिया और यहाँ पर चोरियाँ वगैरह नहीं होती, कोई स्कैम नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी भी इतनी हाई नहीं होती। समझ रहे हैं सर? हाँ। चले सर अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। और ये आप लोग, ओ भाई क्या कर रहा है यार, अजीब आदमी है ये। देखें सर बैंक आ गया। अच्छा अभी पहुंचा नहीं है वो? अभी सर इतनी जल्दी नहीं आएगा, ठरकी बंदा है अभी, पता नहीं तैयार होगा लड़कियों के पीछे। आप लोगों को पता है ना आजकल के बच्चे कैसे हैं, बस ये हालात है उनके। सर आपकी शादी हुई ना, आप अपने बच्चों का ख्याल रखना। बस यार हो जाए, बस अब यही ख्वाहिश है। नहीं नहीं सर हो जाएगी, अल्लाह खैर करे। आ जाए सर, आप आ जाए, मेरी तो दुआ है सर जल्दी जल्दी आपकी शादी हो जाए। तेरी दुआओं की जरूरत है कंजे। चले सर अभी आप अपने काम धंधे लग जाए, ठीक है? मेरे साथ नहीं घूमिएगा नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा, ठीक है? चलो ठीक है। आप अपना मोबाइल में लग जाए ताकि लोगों को लगे भाई यहाँ पर वेट कर रहा है, बैंक में जाना है इसने, ठीक है? और मैं कॉफी वगैरह लाता हूँ, कॉफी पीता हूँ, सही है? मुझे कहीं भी नजर आना, मुझे मिस कॉल मार दी, मैं तेरे पास आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक हो गया सर, डन हो गया, यस हो गया, चले सही हो गया। मैं इधर ही खड़ा हूँ। सर अगर किसी को हम पे शक हो गया ना, या फिर वो साथ बंदे लेके आ गया सिक्योरिटी, तो एक बंदा पकड़ा जाएगा और दूसरा मिलिट्री चीफ के बेटे को पकड़ लेगा, सही है? चलो ठीक है। एक की कुर्बानी तो सर बनेगी, ठीक है? ठीक है फिर। हाँ कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं सर, मैं कुर्बानी दे दूं सर, ऐसे ही करूंगा। मुझे पता है आप तो कुर्बानी देंगे नहीं, गद्दारी के इल्जाम ऐसे तो नहीं लगते ना सर, कुछ तो हकीकत होती है अंदर, कुछ तो सच्चाई होती है। चले घर छोड़े सर, दूर दूर घूमे, इधर बातें नहीं करें, किसी ने देख लिया ना, वेट करते हैं उसका। क्या हाल है बेटा, मेरे बच्चे किधर जा रहे है? बड़ा तैयार हो गया आज तो। पापा कैसा लग रहा हूँ? बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। खेलने जा रहे हैं क्या? हाँ पापा एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। ओके पापा ठीक है, मैं जरूरी काम से। किधर जा रहे? दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। दोस्त से मिलने जा रहा? कौन सा दोस्त है हमें भी बता दे। पापा बस आप ही की तरह दोस्त है मेरा भी। अच्छा अभी से इतना बेगैरत होना शुरू हो गया तू तो? आप क्या होना पापा, क्या हो गया? बकवास बंद कर पापा, सच सच बता किधर जा रहे? लड़की का चक्कर है कोई? जी पापा। अच्छा चल सही है, चला जा। ओके पापा। गार्ड्स को साथ लेके जा। नहीं पापा गार्ड्स को मैं साथ नहीं लेके जा रहा, लड़की यही बिगाड़ लेगी पापा। पता नहीं चलेगा, साथ नस्लें बिगाड़ के चली जाएगी तेरी, समझ गया पापा? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा नाम भी बबलू है। बबलू है पापा, प्लीज पापा मैं मामा को बताऊंगा, नहीं तो पापा प्लीज। क्या बताएगा, क्या बताएगा तू? मैं बताऊंगा आपके सारे कारनामे। चले जा बेटा फिर जल्दी आ जाए, ठीक है? ओके पापा थैंक यू। सही है सही है, जा। गैरत आदमी बाप को धमकियां देता है, शर्म ही नहीं आती इसको। बाहर बेशक मैं आर्मी चीफ हूँ, घर में इसकी मान है और इसने मुझे जलील करके रखा है, कुत्तों वाली जिंदगी बनाई है मेरी। ठीक है दबाओ जा। Enjoy the life, पापा। चलो भाई ये तो दबा हो गया मनहूस। सर ये तो अभी तक नहीं आया, लगता है हमारा प्लान फेल हो गया। चलो फिर प्लान बी पे काम करते हैं। हाँ सर प्लान बी पे ही काम करना पड़ेगा, बस एक बार जाके ऊपर देख लेना। जी सर बस देख रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता ये आया है, बोला तो इसको इधर ही था मेज बैंक के पास,
दोनों साइडों पे देख लिया, अभी दोबारा एक बार चेक करते हैं बस फिर निकलते हैं सर, इतना टाइम नहीं है। यहाँ तो नहीं है ये, बस सही है सर। ओ भाई एक गाड़ी तो आई है सर, बुगाटी। ओ भाई साहब यही लग रहा है मुझे, इतना पैसा किसी के पास नहीं है लॉस एंटोस में, आराम का पैसा नजर आ रहा है। यही यही। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? वालेकुम सलाम अंकल, सामने चढ़े काम जा रहा हूँ। ओ भाई मैं शबाना का गार्ड हूँ, आपने मिलना नहीं है? शबाना? जी 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 बेटा। क्या बात है अंकल, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, गाड़ी में है, गाड़ी में हम दोनों गार्ड हैं, शबाना के, शबाना मैडम के। जी मैं शबाना, मैं शबाना का अबू। जी ये अबू है शबाना के। आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम पापा, क्या हाल है? अरे बाबा बाबा क्या कर रहे हो? वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। मतलब ये शबाना के अबू है ना, तो आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। अंकल किधर है शबाना? नीचे आ जाए आ जाए, गाड़ी में आ जाए। आ रहा हूँ अंकल, जल्दी आ जाए बेटा। चलो चलो अभी इसको अंदर बिठाते वक्त ही ना सीधा एक घूसा मारूंगा, उधर ही बेहोश हो जाएगा। बल्कि क्लोरोफॉर्म तो हम साथ लाए हैं, तो बस इसको सुंघाना है और ये टर्न हो जाएगा फुल। गंजे चाचा, क्या बकवास कर रहा है? कैसा लग रहा हूं? हां बहुत प्यारे लग रहे हो बेटा, इतने हैंडसम बचपन से हो या अभी हुए हो? बचपन से ही हैंडसम हूं। अच्छा अच्छा बचपन से हो, सही सही। मेरे पापा भी बहुत हैंडसम है। गलीज मनहूस अपने बाप पे गया, शक्ल तो देखो मनहूस की। क्या कर रहे हो बेटा, आराम से तमीज से आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा नहा लूं। शारिक सर किधर रह गए पता नहीं। अरे जी बेटा बैठो बैठो, लेके जाते हैं आपको। चलो गाड़ी में है? हाँ गाड़ी में है, बैठो बैठो आप बैठो। अच्छा मैं आ रहा हूँ। चलो शाबाश बेटा, हाथ ऊपर कर लो जल्दी से, ठीक है? आराम से गाड़ी गाड़ी खोलने की कोशिश नहीं करना। शबाना किधर है अंकल? शारिक भाई जरा इसको क्लोरोफॉर्म सुंघाना। हाँ सुंघाता हूँ। हाँ बस ये अंकल आप लोग ये देखो भाई टुन हो गया। चले चले अभी सर चलते हैं हम लोग और मिलिट्री चीफ को बताते हैं कि भाई तेरा बच्चा तो अभी हमारे पास है, ठीक है? होशियारी करने की कोशिश ना करी, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना उनको भाई जल्दी से रिहा कर दो, रिलीज कर दो उन्हें, अभी हमारे पास हथियार आ गया है। क्यों शारिक भाई? हाँ मैं तो कहता हूँ इसे लेके कायापेरी को चले जाते हैं। ओ भाई क्या हो गया, इसे लेके कायापेरी को चले जाते हैं? अगर देर होगी तो उधर हुज़ैफ़ा को मार देगा। हाँ देर हो गई तो फिर तो मसला हो जाएगा, लेकिन देर नहीं होगी, कॉल कर देते हैं, मेरे पास वैसे भी मिलिट्री चीफ का नंबर है, ठीक है? कॉल मिलाना फिर। कॉल मिला के उसको बताते हैं, जरा पहले इसको एक ठिकाने लगा देना इससे पहले यहाँ से भाग जाए, समझ रहे? हाँ ठीक है। ये कुछ भी कर सकता है, बड़ा होशियार है। होशियार तो खैर क्या ही है, इसको हमने उल्लू बना लिया, उल्लू तो वैसे शक्ल से ही बुद्धू लगता है मुझे तो। चलें अभी इसको लगाते हैं इधर साइड पे और उसके बाद कॉल करते हैं मिलिट्री चीफ को। इधर तो कोई नहीं आता, वैसे भी पहले भी हम लोगों ने दो तीन बंदे ना यहाँ पे किडनैप करके रखे थे। आप खुद बताओ यार, इनका खुद का काम किडनैपिंग का है। आ जा भाई, शाबाश बेटा, बाहर आओ। सर हम लोग वॉरक्राफ्ट पे लैंड करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग कायोपेरिको आइलैंड की तरफ जाएंगे। हाँ ठीक है बेस्ट हो गया, सही है। कोई जल्दी नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, पहले यहाँ से वेपन्स वगैरह उठा लो, पता चले तो पंगा हो जाए। ये मार्टिन भी कोई ट्रस्टेड बंदा नहीं है, पहले उतारा है इसको मैंने। यस सर। हाँ सही है ना, लेकिन इस बार तो बहुत मदद कर रहा है सर हमारी। मदद क्या कर रहा है, उसको भी कुर्सी की लालच है, पर उसको भी मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाऊंगा, अब मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। सर ये आपका बेस्ट डिसीजन है। हाँ सही है ना, बेस्ट हो गया सर, ये लोग इस काबिल ही नहीं है, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाओ। कॉल किसकी आ रही है? हाँ बबलू बेटा की। हेलो अस्सलाम वालेकुम बबलू बेटा, कैसे हो? हाँ वालेकुम सलाम सर, मेरा भी सलाम। तू सुना बबलू, तेरी आवाज को क्या हो गया मेरे बच्चे, क्या हो गया? उसने बस चिंगम खाई थी इसलिए बदल गया। ओए मैं शारिक बात कर रहा हूँ। शारिक ओ बबलू के मोबाइल पे तू कैसे बात कर रहा है, क्या हो गया बेटा? बबलू को मैंने पकड़ लिया। अच्छा अच्छा, पकड़न पकड़ाई खेल लेते और बबलू को पकड़ लिया, भाई तुझे ही पकड़ लेगा वो, बहुत तेज भागता है। ओए उसको मैंने किडनैप कर लिया है, सस्ते जोक ना मार। अच्छा अच्छा किडनैप, क्या बकवास कर रहे हो तू, मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया तूने? हाँ किडनैप कर लिया। किडनैप कर लिया तुझे मैं बताता हूँ, तेरे पे ट्रस्ट करके मैंने सबसे बड़ी गलती की है। अगर अपने बेटे को जिंदा सलामत चाहता है तो हुज़ैफ़ा को छोड़ दे, उसको मेरे पास ले और अपने बेटे को ले जा। ओ भाई मेरे पास नहीं है तेरा भाई, समझ आ गई बात? चल ठीक है फिर, मैं उंगली काट के भिजवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा यार देख, ऐसे नहीं कर यार, ऐसे नहीं कर यार, मैं बस करता हूँ कुछ ना कुछ। ओए टोका ला तेज वाला, करता हूँ यार कुछ, सबर तो कर जा भाई। अच्छा अच्छा जल्दी यार, ये लोग थे शबाना बन के मुझे पकड़ लिए। बस बंद कर तू, गलत आदमी, गलत निकला है तू,
करता हूँ मैं कुछ तेरे भाई के लिए। चलो चलो आ जाओ, जल्दी करो, बैठो, तू आ जा दूसरे वाले जेट में। यस सर। निकलते हैं यहाँ से, बल्कि एक काम कर, हेलीकॉप्टर ले आ सामने वाला। यस सर। जल्दी जल्दी आ। शाबाश यार, ये क्या हो गया यार, मैंने इसको बोला था बबलू को, गधे को, बेगैरत आदमी है ये, लड़कियों के पीछे भाग रहा था, फंस गए घूस ना हो तो। अभी दिल तो कर रहा है इसको छुड़ाऊँ ही नहीं, इसके बदले इतनी मोटी मछली मुझे छोड़नी पड़ेगी यार, मैं क्या करूँ, कसम से फिर से मुसीबत मेरे सर पे आ गई है। ये औलाद भी बड़ा जलील करवाती है, अभी मैं यहाँ पे प्लेन क्रैश करके मर जाऊँ दिल कर रहा है, हैरत ना हो तो। ये देखो इधर प्लेन भी ख़राब कर दिया। चलो क्या कह सकता हूँ, मार्टिन को कॉल करता हूँ, और क्या कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई मार्टिन, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम। तेरा बंदा पकड़ के रखा हुआ है, कब आएगा यार तू? बस बंदे को सारा भिजवाया तो ना इधर कायो पेरिको के एयरपोर्ट पे। क्या बात कर रहे है, तू एयरपोर्ट पे पहुँच गया? हाँ मैं बस आ गया हूँ यार, मैं पहुँच रहा हूँ बंदे को लेके। बस बंदा लेके आओ, बस जल्दी करो। हाँ मैं आ रहा हूँ, तू पैसे लाया ना? हाँ पैसे लेके आया हूँ। बस ठीक है मैं आ रहा हूँ, इरफान आ जा चलते। ओके मैं पहुंच के बात करता हूँ तेरे से। जल्दी आ यार, जल्दी आ। बाय। अभी तक ये मार्टिन लोग नहीं आए, इन्होंने कुछ चालबाजी की ना, तो मैसेज दे देना उधर हेडक्वार्टर में। यस सर। आ तो गया, बंदे लेके आए कि नहीं? हाँ भाई बंदे ले आए। वाह भाई वाह, सही है, सारे बंदे ले आए हो। चलो ठीक है ठीक है, ये फ्रैंकलिन है, ये माइकल है, दोनों को लेके आए हो। देख मुझे तू मार तो देगा मिलिट्री चीफ, लेकिन तू खुद भी नहीं बचेगा। मारना ही है तुझे और क्या, छोड़ना इसको भी थोड़ा डराता हूँ। आजा आजा, तेरी जान बख्श दूंगा, आजा। छोड़ो अभी इनको, ऐसे कहूंगा तुम्हारी जान बख्शती है, ये नहीं बताऊंगा कि तेरे भाई ने बगैर किए। इसने हाँ बस सही है, वो मैं पूछ लूंगा भाई, तेरा जो काम था तूने कर दिया, अब निकल। और वो पोस्ट का जो वादा किया तूने वो? हाँ वो बाद में, अभी नहीं अभी नहीं, चल जा। तूने धोखा दिया ना मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं चीफ तुझे। चल चल जल्दी कर, इनको छोड़ पहले तू। चलो बस ठीक है, फिर हम चलते हैं। ठीक है मार्टिन भैया। हाँ ठीक है ठीक है। अब मार्टिन भैया क्यों कह रहा हूँ, मार्टिन सही है ना, चलते हैं। हाँ सही है चीफ जा। ओ ओ हेलो। ओ मेरे आइलैंड पे खड़ा है तू, समझ आ गई? भाई तेरा बंदा तुझे डरा रहा है, तमीज से जरा तमीज से कहा। मुझे नहीं डरा रहा, ध्यान से देख, तेरे पे गंदा नहीं है उसने। अच्छा सर खोल देगा तेरा। चल शाबाश चल शाबाश चल, देखा है इसको, चल शाबाश, ये मिलिट्री चीफ चल शाबाश, क्या कर रहा है, चल शाबाश। ओए मार्टिन भाग के जा रहा है उधर, पकड़ो उसको, पकड़ो। रशीद तू मिलिट्री चीफ को मार के आ जाई। आराम सर, हिम्मत है इतनी इसकी, मजा ले मजा ले इसकी, मजा ले। ए भाग इधर से, माइकल तू किधर भाग रहा है? इधर आ रहा हूँ आ रहा हूँ, मुझे नहीं मारना भाई, जल्दी आ। चलो अभी जल्दी से चलते। वो देखो वो उधर खड़ा है ना, वो होशियार है फैजान, इसके साथ मैंने डील बनाई थी अच्छी, पर कोई नहीं, ये बड़े गद्दार लोग हैं, आपस में सारे मुत्तहिद हो गए, दोबारा से यूनाइट हो गए, एकजुट हो गए, मेरे खिलाफ लड़ने लग गए थे, इसीलिए तो मैं फंस गया हूँ आज। हाँ भाई अच्छी डीलें बना रहे तू है। कोई डील नहीं बनाई यार, मैं तो आपको ही बताने वाला था, आपने मार्टिन से पहले ही हाथ मिला लिया, मुझे बताते यार आप। अच्छा आपकी मदद करता मैं। चलो कोई बात नहीं, मसले की तो कोई बात नहीं है, मार्टिन अभी भाग गया ना, अब बता सही से। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मार्टिन ने हमें यहाँ पे कैद कर लिया था, वो तो डील बनाने वाला था हमारे साथ। अच्छा कह रहा था मिलके मिलिट्री चीफ को खत्म कर देते हैं। हाँ इसको तो मैं इसका ये पूरा आइलैंड उड़ाऊंगा थोड़ी देर में, बस आप उड़ा दे आइलैंड। बच्चे को बचाना है ना, वो काम है जरा। क्या हुआ आपके बच्चे को? कुछ भी नहीं हुआ बच्चे को, आ जाओ जल्दी करो। मैं आपको बता रहा हूँ इस आइलैंड पे इतना गोल्ड है, इतने डायमंड्स, पता नहीं क्या क्या खजाने छुपे हुए। चलो करते हैं कुछ करते हैं। अभी अभी मुझे शारिक सर ने न्यूज़ दी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को बेरहमी से बेदर्दी से मार दिया गया है, और ये जो एजेंसी उन्होंने बनाई थी, आज यही एजेंसी उनके खून का बदला लेगी। क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर हम तैयार हैं। मैं अपनी इस एजेंसी को नाम देता हूँ साइलेंट ब्लेड्स का। मेरे नौजवानों आपको मैं साइलेंट ब्लेड्स का नाम देता हूँ, और ये साइलेंट ब्लेड्स आज ये जो सामने मिलिट्री बेस नजर आ रही है, आज इस मिलिट्री बेस को हम लोग खून की नदियों में बदल देंगे, खून की नदियों में बदल देंगे, साइलेंट ब्लेड्स। तो क्या आप तैयार हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के खून का बदला लेने के लिए? तैयार हैं। चलो मेरे साइलेंट ब्लेड्स, ये इंतकाम का वक्त है। यलगार।